खबर का रुख करते हैं। 6 IFS के तबादले, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 6 IFS के और तबादले कर दिए गए और कार्मिक विभाग ने इसकी आदेश जारी कर दिए हैं। जिनकी तबादले किए गए हैं उनके नाम है देवेंद्र प्रसाद, राजेश कुमार बीचो चौक, संग्राम सिंह कटियार और मेरे सहयोगी डॉक्टर इतराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इतराज, जरा बताइए किसको क्या क्या कार्य आवंटन किया गया है, अब नवीन पद पर कौन कैसे काम करेगा? देखिए विजेंद्र, ये कुछ अधिकारी हैं जो अभी प्रमोट हो गए थे और उनको प्रमोशन पोस्टिंग नहीं दी गई थी। दरअसल पिछली जो IFS की लिस्ट आई थी, यह IFS की लिस्ट उसी कड़ी में है। जैसे हम बात कर लें पवन कुमार उपाध्याय को, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव मुख्य, वन्य जीव प्रतिपालक, ये उनको दिया गया है। और यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि कुछ बदलाव भी किया गया है जो पोस्ट अभी थी, क्योंकि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजेश कुमार गुप्ता को बनाया गया था। यह देखने वाली बात होगी कि कुछ ही दिनों में इनका पद भार कैसे बदल गया, क्योंकि इनको अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पद पर अब लगाया गया है। और इसके साथ जो दूसरा पद दिया गया था पिछली सूची में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान का, यह जिम्मा कैसे हटाया गया, ऐसा माना जा रहा है इसमें कि OPCCF स्तर के अधिकारी को चूंकि ये लगाया गया था जो, तो इस वजह से ये कहीं बात सामने आई होगी कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जैसे या मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जैसे पद पर OPCCF का अधिकारी नहीं लगे। जो अन्य नाम है उनमें भी ये प्रमोशन पोस्टिंग से जो बच गए थे वो नाम है बीजो जोय, इनमें नाम है, और ये वन संरक्षक आयोजना बनाए गए हैं। इसी तरह से उप वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार बनाए गए हैं, देवेंद्र प्रताप जगावत, कस्तूरी प्रशांत सुले, ये नाम आए हैं। 6 IFS अधिकारियों के यहाँ पे तबादले सामने आए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर फिर देखा जा रहा है कि अरिजीत बैनर्जी को अतिरिक्त चार्ज दिया है। ये बताते जानना चाहूंगा कि जब शिखर अग्रवाल ने CMO में जब से कार्यभार संभाला तब से यह दूसरी सूची है, तो इस पर फोकस किया हुआ है कि IFS अधिकारियों की कार्यप्रणाली सही रहे और खास तौर पर जो वन्य जीव में जिस तरह के प्रशासन की जरूरत होती है और जिस तरह से कार्यभार वहां पर संभालना होता है उसको फोकस करते हुए ये तबादले किए हैं। आज ही हमने देखा कि हाल ही में जिस तरह से कार्य विभाजन किया गया उसमें भी TJ कविता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जो कि IFS अधिकारी हैं और प्रिंसिपल OSD हैं CM की। तो देखा जा सकता है कि खासा फोकस किए हुए हैं IFS अधिकारियों पर और ये लगातार ऐसी दूसरी सूची है जब से शिखर अग्रवाल ने CMO संभाला है। बिल्कुल डॉक्टर इतराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।